पहले के जमाने में लोगों को जब अपने किसी खास या अपना नाम लिखवाना होता था तो अपने हाथों पर या शरीर के किसी अन्य जगह पर गुदना गुदवाते थे। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने हाथों पर अपने पति का नाम या कोई डिजाइन बनवाती थी जो कभी मिटता नहीं था। आज गुदना का स्वरूप बदल गया है, आज इसे टैटू के नाम से जाना जाने लगा है। यूं तो आप अक्सर किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका के नाम का टैटू अपने हाथों पर बनवाते देखा होगा, या बॉडी के अन्य हिस्सों पर किसी खास डिजाइन का टैटू बनवाए देखा होगा। परंतु रांची की रिद्धि शर्मा इन दिनों एक अलग किस्म के टैटू की वजह से चर्चा में है। रिद्धि शर्मा ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A खत्म होने की खुशी में अपने शरीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टैटू बनवा लिया है जो कभी नहीं मिट सकता। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जहां हर कोई मिठाई बांट रहा था, कोई रंग गुलाल अबीर से खुशियां मना रहा था, वहीं रांची की युवती रिद्धि शर्मा अपनी पीठ बैक साइड में मोदी जी का टैटू बनवाकर खुशी का इजहार कर रही थी। रिद्धि शर्मा कहती हैं कि मोदी जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अब देश पूरी तरह आजाद हो गया है। बेहद लाइक करते हैं मोदी जी को और बहुत सपोर्ट भी करते हैं उन्हें। बस ये जो 370 और 35 से हटा उसी के जश्न मनाते हुए मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया है। कितनी तकलीफ भी हुई है ये टैटू बनाने में? थोड़ा सा पेन हुआ बट बर्दाश्त करने लायक था। रिद्धि शर्मा का टैटू बनाने वाले विनय सोनी ने बताया कि रिद्धि हमेशा से ही पीएम मोदी की फैन रही है और वो अक्सर कहा करती थी कि मोदी की टैटू बनवाऊंगी, तो यह बात मुझे मजाक लगता था। परंतु धारा 370 हटने के बाद उसने यह फैसला कर लिया कि टैटू बनवाएगी ही। हाँ, मेरा नाम विनय सोनी है, लालपुर में मेरा शॉप है विनय टैटूज, और ये लड़की मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है। ये काफ़ी पहले से आती है मेरे पास टैटू के लिए, तो पहले भी आती थी तो मेरे को हमेशा बोलती थी कि मुझे मोदी का फ़ोटो बनाना है, मोदी का फ़ोटो बनाना है। तो मैं मजाक में लेता था, मुझे लगता था कि बस ऐसे ही मजाक से ही बोलती है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी फैन तो हो नहीं सकती है कि मोदी का पोर्ट्रेट परमानेंट अपने में बनवा ले। तो फिर 370 जिस दिन हटा उस दिन ये मेरे को कॉल की, बोले मैं आ रही हूँ, मेरे को आज ही बनवाना। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ। मुझे तो लगा पहले कि मजाक कर रही है, फिर जब ये आई तो एकदम सीरियस थे कि नहीं बनवाना ही है, तो मैंने भी बनाना शुरू किया। हम लोगों ने सुबह 12 बजे से स्टार्ट किया और रात का हम लोगों का 8:30 बज गया था। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रिद्धि का सपना पूरा हो गया और टैटू आर्टिस्ट विनय ने पीएम मोदी का टैटू बना दिया। टैटू को लेकर रिद्धि काफी उत्साहित है।